राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोमेडी की हत्या के विरोध में क्षत्रिय समाज ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। कुंवरसिंह चौक पर क्षत्रिय समाज में लोग जुटे, यहां सुखदेव सिंह गोगोमेडी कॉमेडी के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वे कैंडल जलाकर वे 2 मिनट का मौन रखकर सुखदेव सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगोमेडी के हत्या निंदनीय है और इसका हम हर स्तर पर विरोध किया जा कर रहे हैं। क्षेत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, समाज के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी मांग है कि हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की जाए और फांसी की सजा दी जाए। यह कहा गया कि गोगोमेडी की हत्या बड़ी साजिश है, इसके उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। हम सबों के लिए बहुत ही अपार दुख की बात है कि हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि जी का कायरतापूर्ण हत्या किया गया। हम क्षत्रिय समाज के युवा बुजुर्ग सभी मिलके मांग करते हैं कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दिया जाए। वो सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं, जब JNU में आताइयों ने लिखा था इस देश से ब्राह्मण और बनियों को छोड़ना होगा, तब गोगामणि ही जी थे जो उन्होंने आगे आके कहा था कि बनियों और ब्राह्मणों को देश तब छोड़ना होगा जब क्षत्रिय नहीं रहेंगे। क्षत्रिय तलवार लेके उनके साथ खड़ा है और कौन देखते हैं कि बनियों जो है ब्राह्मणों को छोड़ता है। तो ये पूरे समाज के नेता थे, उन्होंने एक अच्छी कार्य के करता धरता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोगामणि जी किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है। सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं, बाकी दूसरे समाज के लोग भी उनको बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे। उनकी छवि बहुत ही अलग और शानदार किस्म के थे। हम भारतवासी और क्षत्रिय समाज के एक घटक के रूप में उनकी हत्या की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और जो भी सत्तारूढ़ पार्टी हैं, जो भी प्रशासनिक लोग जिम्मेवार हैं, उनसे ये आग्रह करते हैं कि उनके हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा